जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा मनोज जी। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी अपना परिचय मेरे पर्सनल पे भेजें तो एक लिस्ट तैयार हो रही है। यहाँ जुड़ने वाले सभी कृष्ण भक्तों को पर्सनल पे भेज दियो एक सर्टिफिकेट भी देने की बात चल रही है। तो आप सभी जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में। सर जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्री कृष्ण जी महाराज से प्रार्थना कि हमारे आज के भागवत कथा वाचन श्रवण मनन इन सब की हमको आज्ञा दे। हम इस कार्य को करें, उन्हीं को निमित्त मानकर, उन्हीं को साक्षात मानकर, उन्हीं को दंडवत करके आज की मित्रों कथा का वर्णन हम आइए शुरू करते। सप्तम स्कंद की कथा का सारांश, कुछ बातें कुछ तथ्य हमने कल की कथा वाचन में किए थे। मैं सारांश इसलिए कहता हूं क्योंकि विस्तृत कथा संपूर्ण कथा वह ये 40 मिनट में कोई भी स्कंद कंप्लीट नहीं हो पाता। इसमें तो वास्तव में 40 मिनट में केवल भूमिका ही बन पाती कथा की, भागवत कथा की। तो हम भूमिका तो नहीं बनाते, उसी के कुछ इम्पोर्टेंट पहलू जितने हैं उनको टच जरूर कर देते हैं। अर्थात भगवान को हम अर्चन अर्पण या नमन जरूर कर पाते। आइए अब आगे की आज की कथा कही गान करें, उसी का वर्णन करें, प्रभु को नमन करें। अष्टम स्कंद में सबसे पहले मनु जी महाराज के द्वारा कुछ बातें बताई गई, संक्षेप में उसको मन्वंतरों का वर्णन कहा गया।
मनु जी महाराज क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जहां भी हो, एशिया हो, यूरोप हो, पश्चिमी देश हो, पूर्वी देश हो, या जो भी क्षेत्र है, या पूरा विश्व एज ए होल, और इस विश्व में रहने वाले पूरा लैंड और इसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, शब्द उनके लिए चर जो मूव करते हैं और अचर जो स्थिर हैं। स्थिर कौन से हैं और मूव कौन से? इंसान, पशु, पक्षी सब मूवेबल हैं। हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य के लिए कभी न कभी मूव करते और स्थिर क्या है? धरती स्थिर है, पेड़ पौधे स्थिर है, इसी तरह नदी, नाले, तालाब सब समुद्र तक चर हैं। ये जितने भी हैं इन सब में चाहे चर है या अचर है या स्थिर है, जो भी शब्द यूज करें, उन सब प्राणियों में जो प्राण सब में है, उन सब प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं उपलब्ध हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब या पूरी सृष्टि व्याप्त है। जब हर चीज में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, तो इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि केवल उसी की ही महत्ता हो, केवल उसी की ही इंपॉर्टेंस हो, और कोई चीज ऐसी भी नहीं है जो वेस्ट हो, जिसकी जरूरत ना हो। क्योंकि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु जी महाराज ने अनेकों रूपों में, अनेक अवतारों में हर चीज को बनाया है। अपने आप कुछ नहीं बनी, क्योंकि आदि तथा उद्गम जो है, आदि तथा अंत जो है, वो भगवान की ही लीलाएं हैं। इसलिए केवल जो हमारे जीवन मात्र के निर्वाह करने के लिए जिसका प्रयोग हो रहा हो, उन्हीं को ही हम जरूरी माने, बाकी गैर जरूरी माने, ऐसा नहीं। हाँ, यह बात सही है, हर किसी भी वस्तु का, किसी भी तथ्य का मोह ना करके, मोह से मतलब एक्सेस, किसी का दोहन ना करके उसका सदुपयोग करें, जितना जरूरत हो उस प्रकृति प्रदत्त चीजों का प्रयोग करें, और हर चीज को केवल अपने और अपने ही जीवन के निर्वाह करने के लिए उपभोग मात्र की वस्तु ना माने, जितना जरूरत हो उतना उपभोग भी करें भूमि की। और इसी कड़ी में फिर मनु जी महाराज बताते हैं कि कृष्णा इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे रहे। अब इच्छाओं का त्याग क्या हम कर पाते हैं? मतलब ये है कि कहीं न कहीं रिस्ट्रेन करना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें रोक लगानी चाहिए कि कितनी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। इच्छाओं को हम आदि हरि कथा अनंता की तरह बढ़ाते जाएंगे तो दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए लिमिटेड इच्छाएं ही रखनी चाहिए। अब फिर मनु महाराज कहते हैं, यह संसार में जो आया है वो जाएगा, ये तो बात सही है। फिर इस संसार की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्तियां हैं, वो किसकी हैं? परमात्मा की हैं। किसके लिए है? लिमिटेड यूज करने के लिए है आपकी। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि बहुत अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। खनिज पदार्थ जैसे हैं, उनका बहुत ज्यादा दोहन कर देने से क्या होता है? प्रकृति, नेचर इम्बेलेंस होता है, तो इसका ध्यान रखना ही चाहिए। फिर गजेंद्र मोक्ष के लिए प्रार्थना या स्त्रोत की बात है।
मोक्ष के बदले उसमें मोक्षण शब्द युक्त किया गया है, अर्थात उसको मोक्ष कैसे हो उसकी बात सुनिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, जब परीक्षित ने कथा सुन रहे थे तो सुखदेव जी ने आगे बताया, हे परीक्षित, जब गजेंद्र दुष्टों से, ग्रहों से, आतताइयों से अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, तब उसने सोचा यह काल सबसे बड़ा बलि है। काल का मतलब समय से, काल का, कल भी मैं कहीं बात कर रहा था, काल का सामान्य अर्थ, सामान्य शब्दार्थ जो है वो परेशानी से लिया जाता, यम के दूतों को काल कहा जाता। तब सोचने लगा कि काल बड़ा बलि, यहाँ काल से मतलब ब्रॉडर सेंस में काल से मतलब समय की बात है, समय बलवान, कल कुछ था, आज कुछ है, फिर कुछ होगा, अभी कुछ, बाद में कुछ, तब कुछ, अब कुछ है। तो यह उसकी महत्ता है, कब क्या घटित हो, कब क्या सुफल हो, कब क्या कुफल हो, यह डिपेंड करता है समय पर, डिपेंड करता है समय के फेरे। इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें करते हैं। और यह काल बड़ा बलि है, जब उसको अब किसी मोह पास में फंस गया, किसी परेशानी में वो गजेंद्र ग्राह फंस गए, तब ये उन्होंने सोचा कि काल बड़ा बलि है, इसे जीत पाना मुश्किल है, और यह सांप के समान, सर्प के समान बहुत तेज भागता है सांप। और क्यों भागता है, दो परिस्थितियों में भागता है, या तो डर से भागता है, या किसी भी चीज को निगलने के लिए भागता है। अजगर की बात देखो, और डर से अगर भागेगा तो वो अटैक भी कर देगा, और किसी चीज को निगलने के लिए, क्योंकि सांप ऐसी चीज है वो कुछ चीज को चबाने से पूरा निगल लेते हैं, फिर उसके बाद अपने शरीर को घुमा के कस के जो निगल लिया है उसको तोड़ लेते हैं हड्डियों से, तब उसको वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। किसी भी चीज को निगलने के लिए, अपनी क्षुधा को, भूख को दूर करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते। इसी तरह काल भी, समय भी, दौड़। और ऐसी स्थिति में जब काल तंग कर रहा हो, या सांप किसी के पीछे पड़ गया हो, भाग रहा हो, वो अपनी जान बचाने के लिए मन से ही सही प्रभु की शरण में चला जाता है, शरणागत हो जाता है, प्रभु को स्मरण कर लेता है, असहाय मानकर भगवान से प्रार्थना करके अपनी सहायता के लिए त्राहिमाम शरणागतम, ऐसे भाव रखता है, भगवान मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तो ऐसे इंसानों को, ऐसे जातकों को भगवान परमपिता अवश्य ही बचा लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, या तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो भगवान के शरण में चला गया, जिसको भगवान ने बचा लिया, फिर मृत्यु क्या उसको कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। प्रभु शरण गच्छामि, प्रभु के शरण में जो मैं चला गया हूं, फिर कौन उसको हाथ लगा पाएगा। इसलिए तब उस समय, उस स्थिति में, परिस्थिति में, उस काल में मृत्यु भी अपना काम पूरा करती है। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ तो भगवान नहीं उसको कहीं काल के ग्रास होने देंगे, तो वो बचा लेंगे। इसलिए प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण ही सबके आश्रय हैं, वो जिसको जब जैसे चाहे वैसे स्थिति परिस्थिति बना करके उनको सुख दुखी समय का सुख और दुख, लाभ हानि दंड सब कुछ देते, यह उनकी लीलाएं हैं। तब देव जी महाराज कहते हैं, इसलिए मैं उन्हीं की शरण, अर्थात प्रभु के शरण गति होकर उन्हीं की शरण को ग्रहण करता हूं। अब मित्रों, काल की बात आ रही थी, काल जो शब्द है सामान्यतया सामान्य जनमानस की भावनाओं में, प्रयोग में परेशानी की माना,
लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो काल से मतलब काल गणना, काल गणना उसको आनी चाहिए, तभी वो ज्योतिष के लिए ज सीख सकता है, जे सीख सकता है, अर्थात उसको कैलकुलेशन इस तरह की आनी चाहिए, देश काल पात्र या परिस्थिति उसका उसको ध्यान होना चाहिए। कल क्या था आज क्या है, चाहे तिथि की बात हो, एकादशी तिथि है, वार की बात हो शनिवार है, नक्षत्रों की बात हो, लग्न की बात हो, प्रिडिक्शन की बात हो, कल क्या हुआ था उसका ध्यान, आज क्या हो रहा है, इन सब को मिला के फिर आने वाले कल में क्या होने की संभावना है, इन सब की गणना उस काल की गणना से ही ज्योतिष में सीखी सिखाई और प्रयोग की जाती है। ज्योतिष की बात तो जब कक्षा ज्योतिष की कभी होगी जो मित्र जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। आज तो हम भगवत कथा का ही आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी का कथन पान कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि वह गजेंद्र जो बहुत पीड़ित हो रहा है काल के भय से, तो एकाएक उन्होंने गरुड़ महाराज को आदेश दिया, गरुड़ को संदेश दिया, और गरुड़ महाराज उस समय कूद पड़े, वहां उपस्थित हो गए, पहुंच गए, और गरुड़ ने कृपा की, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा थी, भगवान की मंशा थी। तब उन्होंने काल के ग्रास से गजेंद्र को निकाल लिया। यह माना गया है कि वो बड़े गहरे समुद्र में, सरोवर में, तालाब में कहीं काल उनको ग्रसित कर रहा था, तब वो गरुड़ ने उनको, गजेंद्र को निकाल दिया, और जब निकाल लिया तब देवताओं के सामने श्री हरि ने वो जो ग्रह थे जो ग्रसित कर रहे थे काल रूपी ग्रह, उसका मुंह चीर दिया, फाड़ डाल दिया, और गजेंद्र को छुड़ा लिया। लीलाएं किसने रची, भगवान ने रची, स्मरण किसने किया, गजेंद्र ने। तो इसी गजेंद्र मोक्षण के बारे में फिर सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया, और उद्धार करके उसको अपना पार्षद बना लिया, अर्थात अपना शिष्य बना लिया, अपने नजदीक ला दिया, और इस लीला का भगवत भगवान के इस लीला का उनको अपने पास लाना, गरुड़ जी को भेजना, उनको वहां से सरोवर से निकाल लेना, उनके काल का ग्रह का मुंह को चीर कर फाड़ देना, गजेंद्र को बचा लेना। इस कड़ी में जब देखते हुए पता चला, दिखा, विचार हुआ, तब गंधर्व भी, सिद्ध पुरुष भी, सिद्ध जन भी, देवी देवता भी, इन सभी ने भगवान की इस लीला को नमन किया, गान किया, प्रणाम किया, और वे अपने पार्षद को, गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अलौकिक धाम को, परलौकिक धाम को चले गए, अर्थात उनको स्वर्गलोक दे दिया। तब फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूर्व जन्म के अगस्त अगस्त ऋषि जो थे, उनके द्वारा स्वापित श्राप दिए हुए राजा इंद्रद्युम्न और ग्राह देवल, स्वापित और ये हुहु नाम के गंधर्व थे। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं। भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जिसके जो श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण अवतार के रूप में थे, तब ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, और सबके हृदय में समान रूप से, समान भाव से विचार विराजमान है, अंतर्यामी भी आप हैं, आपकी महिमा अखंड है और अनन्य है।
उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई डिवीजन नहीं हो सकता, वह अखंड इस तरह से है। इसलिए जब भी जिसका भी मन जहां जहां जाता है, चाहे भटकता हो या कुछ और बात हो, वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी भी जो टंग है, जो बोलने की बात है, वह भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती, वह भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के लिए आराध्य हैं, आराधनीय हैं, और आप तो स्वयं ही प्रकाश हैं। आपको प्रकाश की जरूरत क्या है? आप स्वयं प्रकाश हैं। इसलिए हम सब नतमस्तक होके आपके चरणों में नमन करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम और नमस्कार करते हैं। फिर समुद्र मंथन की बात आ गई। समुद्र मंथन का तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा, अर्थात कोई तिकड़म के द्वारा, कोई प्रयोग के द्वारा, लकड़ी से, लकड़ी का प्रयोग करके आग को गाय के द्वारा दूध से निकाल कर दही, दही से निकाल कर मक्खन, अमृतमयी दूध, अमृतमयी दही और मक्खन, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही पसंद था, तथा पृथ्वी से अन्न और जल, तथा व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात लकड़ी, अग्नि, दूध अमृत के समान दूध का है, और तथा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न करने वाले अन्न, और व्यापार से अपना अर्निंग, सोर्स ऑफ लिविंग अर्निंग जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह, ये तो सामान्य जन की बात थी, उसी तरह विवेकी पुरुष जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान जन जो है, जन समुदाय जो है, वह अपनी शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध अंतःकरण से भक्ति योग, ज्ञान योग और विवेक के द्वारा आपको नमन करती, आपकी भक्ति करती, समस्त विषयों की आसक्ति को दूर कर लेते हैं, और अपने आप को आप पर समर्पण करके आपकी निकटता, आपकी सानिध्यता और आपका आशीर्वाद कर लेते हैं, और उसी अनुभूति से नित्य सदैव आपका दर्शन भी कर ही लेते हैं। फिर समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन इसलिए वो समुद्र मंथन जो है आपकी ही रची हुई क्रिया है, आपके बताया हुआ ही वह मार्ग, एक विधि है, एक कला है। और फिर उसी समुद्र मंथन के बाद जब विष निकला, तो अब विष का क्या किया जाए? तब भगवान शंकर को प्रार्थना करके मनाया गया इस पान के लिए। इस पान की कथा के बारे में प्रजापतियों ने, जो मंथन हो गया था, जब निकल गया, किसी भी चीज को बनाने वाले, गढ़ने वाले का नाम प्रजापति है, न कि प्रजापति केवल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बल्कि कोई भी चीज को बनाने वाले, सृष्टि में बनाने वाले विश्वकर्मा और प्रजापति का नाम। विश्वकर्मा आर्किटेक्ट है, प्रजापति रियल काम करने वाले हैं। तो इस जगत में व्याप्त सभी चीजों को जो भी जिस भी रूप में बना पाता है वह प्रजापति। प्रजापतियों ने तब भगवान शिव से स्तुति की, गान की, मनन किया, उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी सद्यो जाति आदि पांचों उपनिषद आपके पुरुषत्व, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नाम के पांच प्रमुख आपके मुख, ये आपके फेस के समान है, आपके मुख के समान, और उन्हीं पांच मुखों में से 38 कलात्मक जो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र भी उन्हीं उपनिषदों में से निकलते हैं। और जब आप समस्त प्रपंचों से दूर होकर अपने वास्तविक शरीर में स्थित हो जाते हैं, अपनी लीलाओं को छोड़कर, क्रियाओं को छोड़कर वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो वही नाम, वही स्थिति शिव है। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्य भी है सुंदर भी है, तो सत्य और शिव सुंदर हो वही शिव, इसलिए और वास्तव में वही प्रकाश जो आपका सत्य स्वरूप है परमार्थ का एक तत्व। फिर उसके बाद ये बनाने की कला का मतलब उनको विस्पान के लिए या विष को दूर करने के लिए जो एकत्र विस्तार समुद्र मंथन से निकला था उसको फेंका नहीं जा सकता था, उसका कैसे प्रयोग हो क्योंकि प्रिजर्व कर पाना मुश्किल, बहुत ही खतरनाक था। तब भगवान शंकर को उसका उचित समाधान करने के लिए बताया। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं विस्पान की कथा के बारे में, बहुत से इन प्रार्थना को करने के बाद सोच विचार करके लक्ष्मी माता ने अपने चिर अभीष्ट शब्द कैसे किए, चिर अभीष्ट, चिर मीन्स जो कभी भी कम ना हो सके, जो कभी भी क्षय ना हो सके, जो कभी भी टूट ना सके, इसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी कमी आ ही ना सके। अभीष्ट, अभीष्ट से मतलब इष्ट की प्राप्ति, मतलब उससे अधिक कुछ नहीं है। भगवान को वर के रूप में चुना क्योंकि भगवान विष्णु, क्योंकि उन्हीं में समस्त सद्गुण नित्य प्रति सदैव वास करते थे, और उन भगवान को प्राकृतिक तत्व भी, प्राकृतिक पदार्थ भी अपना स्पर्श तब तक नहीं कर सकते जब तक भगवान खुद ना चाहे, इसलिए अणिमा आदि समस्त गुण भी उनको चाह तो रखते हैं पर वे किसी भी तरह की अपेक्षा भगवान नहीं करते, इसलिए वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है, इसलिए उन्होंने उन्हीं को वरण किया और भगवान शिव को उन्हीं के माध्यम से प्रार्थना भी की। इसलिए भगवान शिव ने, शंकर ने हलाहल पी लिया और उसी समुद्र मंथन में 14 रत्न भी निकले, उनकी भी प्राप्ति हुई। वो क्या रत्न थे उनके नाम हम जाने, शंख, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, धनुष, शिवभाल, बालचंद्र, कालकूट, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अमृत, अप्सरा, धन्वंतरी, उच्ची, श्रवा घोड़ा, कामधेनु और वारुणी, इस तरह वारुणी नाम की कन्या, इस तरह 14 रथ उसमें से निकले थे जो विष के अलावा। तो फिर उन 14 रथों की कथा के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित देखो सुनो समझो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही वस्तु के लिए विचार किया, प्रयोजन किया और कर्म किया, लेकिन उस कर्म को करने में उसका मर्म जानने में बड़ा डिफरेंस हो गया, सोच अलग थी देवताओं की और राक्षसों की सोच अलग थी, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। और उसी कर्म को करते हुए, समुद्र मंथन के कर्म को करते हुए देवताओं ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से, बहुत ही इजी अपने परिश्रम जो उन्होंने किया उससे अमृत को प्राप्त कर लिया, अमृत का पान कर लिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भगवान के श्री चरणों का, चरण कमलों का नमन करके उनका आशीर्वाद लिया था। लेकिन भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद लेने में विफल रहने के कारण या ना लेने के कारण या ना ले पाने के कारण वो जो भी था, भगवान की रचना जो थी, असुरगण राक्षसगण अमृत के पान करने से, अमृत को प्राप्त करने से वंचित रह गए। गर्भ समुद्र मंथन का दोनों ने बराबर किया, नहीं किया मतलब मंथन करने का ही। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित असुरों की माया का, असुरों की घमंड को, असुरों के प्रकोप को प्रतिकार करने के लिए, दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और बहुत कुछ विचार देवताओं ने किया। जब फिर उनको कुछ ना सूझा तो उन्होंने फिर से भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया और
परमात्मा के द्वारा परम पुरुष के रूप में प्रकट होते ही एक अवतार भगवान ने लिया, उसके प्रभाव से, उस परम पुरुष के प्रभाव से जो भगवान स्वयं ही थे, असुरों की कपट भरी माया, दुष्टता रूपी जो कर्म थे वह विलीन हो गए, और वैसे ही विलीन हो गए। कैसे विलीन हो गए? जैसे स्वप्न हम देख रहे हैं, स्वप्न देखते देखते जो माया है, वस्तुओं की माया है, तथ्य है, विचार है, ड्रीमिंग जो है, स्वप्न से जैसे ही नींद खुली वो अपने आप ही विलीन हो जाते हैं। कुछ बातें हमको याद रहती है, कुछ नहीं रहती, उस तरह असुर भी विलीन हो गए। भावार्थ यह है, मतलब यह है कि जो भगवान की स्मृतियां हैं उनके स्मरण करने मात्र से ही, उनको नमन करने मात्र से ही बहुत सी विपत्तियां, या दूसरी बात कहें समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है भगवान का स्मरण कैसे। और फिर एक थोड़ा सा वर्णन संग्राम की समाप्ति का है। बलि कहते हैं, हे इंद्र, हे इंद्र महाराज, तुम लोग, आप सब अपने को जय पराजय का कारण मानते, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो, तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सोचनीय मीन्स दया के का तुम डिजर्व करते। भगवान इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, उनसे बलि ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जय पराजय तुम में समाहित है, तुम्हारे भावना यही है, इसलिए तुम पर दया की जरूरत है, तुम्हारे अभी परिपक्वता नहीं, इसलिए बलि कहते हैं हम आपका जो मर्म स्पर्शी वचन है उसको जब हम स्वीकार ही नहीं करें तो दुख क्यों होगा। और फिर बलि कहते हैं यह दुख या जो भी कर्म है, जो भी तथ्य है, जो भी हैपनिंग हो रही है, केवल और केवल ईश्वर की ही लीला है, फिर हम क्यों कष्ट झेले या क्यों परेशान करें, मनसा वाचा कर्मणा, क्यों हम परेशान होते रहे। इसलिए इसको युद्ध को समाप्त करें। तब महादेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री विष्णु को श्री हरि को स्मरण करते हुए, हे प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझता है, कोई आपको ब्रह्मा समझता है, और कुछ आपको अपना धर्म मानते हैं, धर्म कहकर वर्णन करते हैं, ऐसे आपका स्तुति गान किया जाए। इस प्रकार आपको कोई प्रकृति मानता है, और कोई पुरुष से भी बढ़कर परम परमेश्वर मानता है, कोई विमला, कोई उत्कर्षणी, कोई ज्ञान, कोई क्रिया, कोई योग, कोई प्रहरी, कोई सत्य, कोई ईशान और अनुग्रह, इन नौ शक्तियों से युक्त परम पुरुष मानता है, और कुछ दूसरे कर क्लेश आदि कर्म बंधन से रहित पूर्वजों के पूर्वज अविनाशी पुरुष के रूप में मानते हैं। आपकी लीलाओं का वर्णन गान इस तरह से। फिर सुखदेव जी परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, परीक्षित, इस मनवंतर में, इस काल में, इस घटना में, इस कथानक में आदित्य, वासु, रुद्र, विश्वेदेवा, मरुद्रण, अश्विनी कुमार और प्रभु, ये सभी देवताओं के ही प्रधान गण हैं, प्रधान सेवक हैं, प्रधान दूत हैं, और पुरंदर के रूप में, या पुरंदर जो है इंद्र के रूप में है, अर्थात उनसे उनके राजा है। फिर संग्राम की समाप्ति बात बताते चुके भी, फिर संबोधित करते हैं चतुर्युगी, चार युग, चारों युगों के अंत में, हर युग के अंत में समय का जब उलट फेर होता है, जब अंत हो रहा है किसी भी युग का, कलयुग चल रहा है, कलयुग का जब अंत होगा, सतयुग का हुआ होगा, द्वापर का हुआ होगा, तब श्रुतियां जो कही हुई बातें हैं वो समाप्त सी हो जाती है, नष्ट प्राय हो जाती है। तब क्या करते हैं जो सप्त ऋषिगण हैं, मुनि हैं, श्रेष्ठ हैं, वो तपस्या करके उनको फिर मिलन कराते हैं, उनको नमन करके उनको साक्षात्कार करते हैं, अर्थात उनको फिर क्रियाओं को करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी श्रुतियों से, अर्थात सप्त ऋषियों के किए गए कर्मों की श्रुतियों से फिर सनातन धर्म की रक्षा होती है। इस तरह सुखदेव जी महाराज
राजपूत परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से, क्योंकि जो सप्तऋषि थे ब्राह्मण थे, उनकी कृपा से ही युद्ध की सामग्री भी प्राप्त हुई, युद्ध की सामग्री को प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति, इस तरह की बात है। पूरा स्वस्ति वाचन करने के बाद राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, उनको नमन भी किया और इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण किया, उनसे चर्चा की और उनके चरणों में प्रहलाद जी को भी नमस्कार किया। फिर कश्यप ऋषि को, कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति को व्रत करने का, पयोव्रत करने का अर्थात शुद्ध मन अंतःकरण से व्रत करने का उपदेश दिया। तब अदिति कुछ उपदेश के बाद कहती है कश्यप जी को, हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा चाहे वह सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी, या सब आपके ही संतान तो है और इसमें से कुछ आपके संकल्प से उतने उत्पन्न हुए हैं, आपके विचारों से उत्पन्न हुए और कुछ आपके शरीर से उत्पन्न हुए, कोई भी तीनों गुणों में से कोई भी, फिर भगवान इसमें कोई संदेह नहीं, संदेश नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे वो असुर हो या देवता हो, एक भाव ना रखें, अर्थात आपका सभी के लिए सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सभी के लिए आपका जो भाव है, आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो अफेक्शन है एक साई। फिर भी इसके बाद भी अदिति कहती है स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की, जो उनकी भक्ति करता है, उनकी इच्छा को पूरा किया कर, यह जानने के बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए और अदिति को उन्होंने वर दिया। तब अदिति ने उनको, जब भगवान प्रकट हुए, प्रणाम करते हुए नतमस्तक होते हुए कहा, हे प्रभु, आप अनंत रूपी हैं, अनंतेश्वर हैं, और जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं कि उन्हीं के माध्यम से, अर्थात ब्रह्मा जी के माध्यम से ही दीर्घ आयु देने वाले, उन्हीं के समान, अर्थात ब्रह्मा जी के समान ही दिव्य और दीर्घ शरीर देने वाले, सभी अभीष्ट जो भी मांगी गई है, सोची गई है, परखी गई है, उन वस्तुओं को देने वाले हैं, अथा धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल योग, समस्त तरह की सिद्धियां, धर्म, अर्थ, काम, इनको भी देने वाले, और केवल ज्ञान, इन सबको देने के लिए ज्ञान भी, ज्ञान रूपी प्रकाश भी, तेजोमय प्रकाशवान आप करने वाले केवल आप ही, और फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, ये तो छोटी सी कामना, इच्छा, घटनाएं हैं, और बाकी चीजों के बारे में कहना ही है। मित्रों, लगभग 2 मिनट का समय रह गया है, अब आज की बात, आज की कथानक यहाँ हम रुकते हैं। आप चाहें तो आज हमने क्या चर्चा की, अपने विचार भी रख सकते हैं, अभी तक जो भी हमने चर्चा की उसके लिए भी रोक सकते हैं, और इसके लिए अब मैं अपने दोनों महापुरुषों, जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरे मित्र अनुज मनोज और मेरी बहन कुलविंदर जी, दोनों को संदेश देता हूँ कि वह कुछ कहना चाहें, आपके विचारों को सुनना चाहें, उनको भी पार्टिसिपेट करें। मित्रों, लगभग 2.5 मिनट का समय रह गया, तब तक ब्रेक हो जाएगा और कल को हम फिर इसी समय आपके मुखातिब होंगे। तब तक धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। पंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना विशेष और उत्तम ज्ञान देने के लिए, और ये हमारे लिए एक तरीके का स्वर्णिम समय ही होता है जब हम सुबह आपको सुनते हैं, और मेरे सभी मित्रों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं की वजह से भी ये ग्रुप चला है, तो और भी लोग जुड़ें और सभी को साथ लेके आए। भागवत कथा उपहार स्वरूप देने का निर्णय भी मनोज जी का, सुशील जी का और पंत जी का ही है, और साथ में सभी जुड़े हुए लोगों को ई सर्टिफिकेट भी उनके सिग्नेचर के साथ दिया जा रहा है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं और आपके साथ जुड़ के हम स्वयं भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। सभी उपस्थित
होने के पश्चात अपनी उपस्थिति अपने परिचय के रूप में लिख दिया करें, ताकि हमें ज्ञात रहे कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सब हमारे साथ हैं। आपका होना ही हमारा होना है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो सभी अपना परिचय अगर लिख दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट और भागवत परिचय भी आप सबको आपके परिचय के अनुसार आपके एड्रेस पे